अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे ये व्यू मैं आने था आपको दिखा लूँ, हम कहीं जा रहे थे तो ये देखें बहुत खूबसूरत सा आसमान का व्यू है। और नीचे देखें पता नहीं आज क्या है, सब रास्ते जो है ना बंद किए हुए हैं, जगह जगह पे पुलिस खड़ी हुई है, नाके लगाए हुए हैं, सब रास्ते बंद कर दिए। आज ही हम घर से बाहर निकले हैं और आज ही जो है ना ये देखें रोड बंद कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा भाई है और यहाँ पे मेरी अम्मी है, तो हम कहाँ जा रहे थे वहाँ पहुँच के बताते हैं, अगर पहुँचा गया तो। लग तो नहीं रहा कि पहुँचा जाएगा क्योंकि ये देखें लग रहा है कि कोई आ रहा है या जा रहा है, या शहबाज शरीफ का मसला है या क्या है, कुछ पता नहीं है। तो ये देखें जगह जगह पर पुलिस खड़ी हुई है, रोड बंद है, तो देखते हैं अब क्या होता है। और ये माशाल्लाह देखें कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है, ये ऊपर का आसमान, ये देखिए कुछ किस तरह का मंदिर है, ये ऊपर परिंदे उड़ रहे हैं, हाँ जो भी है, लेकिन ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चले हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या मसला है, आप भी बने रहें वीडियो में और देखें। देखें भी बस हम थोड़ा सा आगे भी आ गए हैं, रोड बिल्कुल खाली है, ये देख सकते हैं इधर भी कोई नहीं जा रहा और यहाँ से भी कोई नहीं आ रहा, ये देख लें सारा रोड पता नहीं क्यों खाली कर दिया है। और मैंने कहा चले आपसे भी शेयर कर लूँ। और यहाँ हम पुल के ऊपर हैं और यहाँ नीचे का ये मंजर है, नीचे बस हल्की फुल्की सी ट्रैफिक है और देखते हैं क्या सीन है, ठीक है। ये देखें यार है बिल्कुल शेयर कर दूँ, अगर चले गए सही सामान पहुँच गए तो फिर आपको बताते हैं। ये देखें जी भी बस यहाँ पे कितने परिंदे उड़ रहे हैं, क्योंकि अंधेरी आंधी शुरू हो गई है, हम जा रहे हैं तो देखो कितना प्यारा, ये देखें कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा ना आंधी आ रही है। और यहाँ ऊपर देखें और यहाँ पे देखें, तो मैंने कहा चले आपसे भी शेयर करते जाते हैं। तो ये देखें आंधी आ गई, परिंदे उड़ रहे हैं, प्यारा मुझे तो मंजर लग रहा है, ये ऊपर ठीक है। बहुत प्यारी प्यारी जो है ना लाइन चल रही है, बने रहे वीडियो में, वो तो पहुँचते हैं तो फिर आपको बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। ये देखें जी बस हम आ गए हैं बीबी पाक धाम, ठीक है। तो उस दिन भी आए थे हम, दुआ करके गए थे, तो अब भी हमने जो है ना दुआ हमारी पूरी हो गई, दुआ कबूल हो गई, तो यानी कि जो भी हमने मांगा वो पूरा हो गया। तो हमने सोचा चले अब जाके, आज जुमेरात है तो हमने कह के आके ना पूरा कर बीबी पाक धाम मनाए हैं हम, ठीक है। तो हम भी सलाम करते हैं, आप भी हमारे साथ कर लें। बस यहाँ पे हमने सलाम कर लिया, तो अब यहाँ पे बैठ के सब पढ़ रहे हैं। ये देखें जी बस हम गए थे बीबी पाक धाम ना, और यहाँ पे नाते वगैरह पढ़ी जा रही थी और यहाँ पे लेडीज़ भी एक तरफ बैठे थे, एक तरफ जेंट्स बैठे थे, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली और यहाँ पे मैंने अपनी वॉइस। और ये देखें जी बस यहाँ पे ये कुछ चूड़ियाँ और कड़े वगैरह और ये सब चीज़ें थी, ज्वेलरी वगैरह बच्चों की, ये छले वगैरह जो हाथों में पहनने के लिए सब चीज़ें थी। तो मैंने ना चूड़ियाँ ली थी तो वाइट कलर की, तो वो मैंने अभी वीडियो में नहीं दिखाई, वो मैं फिर जिस दिन जो है ना पहनूंगी तो मैं दिखाऊंगी। तो मैंने ये सब चीज़ें दिखाई थी आपको वीडियो में, तो ये देख के आप बताएं कमेंट्स में सब चीज़ें कैसी लगी, अगर पसंद आई हैं तो कमेंट्स में बताएं। और जो है
अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, वीडियो में फुल बने रहें, और जो न्यू चैनल पे आने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखें जी व्यूअर्स, हम वापस जा रहे हैं, ये रोड इतना प्यारा सजाया हुआ है, मैंने कहा कि चले आपसे भी शेयर कर लें। और जगह जगह पे रोड पे ना पुलिस खड़ी हुई है, यहाँ पे हम बाइक पे जा रहे हैं, और ये रात हो गई है, देख सकते हैं आप, ठंडी ठंडी चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय हो रहा है। और ये पूरे रोड पे ये लाइटिंग लगाई हुई है ना दरख्त के ऊपर, और बहुत प्यारा लग रहा है ये व्यू। मैंने कहा चले आपसे भी शेयर कर लो। ठीक है, चले मिलते हैं घर जाके। ठीक है, बस कितना रश है यहाँ पे। ये देखें जी व्यूअर्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, जाते हुए तो रोड खाली थे, आते हुए बहुत ट्रैफिक थी, और यहाँ पे हमने पैदल काफ़ी सफ़र किया, और मेरे भाई ने इतनी मुश्किल से यहाँ से बाइक निकाली थी, और आते आते हमें 8:30-9:30 हो गए थे वो टाइम। ये देखें जी व्यूअर्स, फाइनली हम लोग घर आ गए हैं, और यहाँ पे अनाया घर पे ही थी, बच्चे घर पे थे, बच्चों को नहीं लेके गए बहुत, और यहाँ पे मीरब भी है, हसीब है, हसीब तो, और इसके पापा ने आके मुझे सरप्राइज दे दिया, हम नहीं भाई करो। पुलाव होता है बेटा, पुलाव। मेरे हस्बैंड हैं और वो काम से आ चुके हैं, और उन्होंने आज सरप्राइज दे दिया मुझे, यहाँ पे वो कलेजी बना रहे हैं हमारे लिए, सरप्राइज दिया उन्होंने आज, बहुत मुझे खुशी हो रही है। तो चले ये बन जाती है तो फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया है, मेरा दिल तो बहुत खुश हुआ है आज। थैंक यू, बड़ी देर बाद, बहुत देर बाद इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया है इस तरह का। गाइस ये चेक करें जरा, ग्रेवी चेक करें कैसी बनी है, बहुत मजे की लग रही है देखने में, इतना खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है, और इतना देख के दिल को हो रहा है ना कि मेरे हस्बैंड ने आज मेरे लिए ये किया है कि मैं बाहर से आई हूँ तो खाना रेडी कर दिया, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। बन जाती है, फिर खाते हैं, फिर आपसे शेयर करते हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, यहाँ पे ये फाइनल लुक है, और आपको कैसी लगी ये रेसिपी, तो नहीं दिखाई हमने, पहले दिखाई हुई है, और आज का सरप्राइज़ मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया, मुझे तो बहुत पसंद आया। आपके हस्बैंड किस किस के देते हैं इस तरह सरप्राइज़, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और बताएं कि माशाल्लाह ज़रूर करें, और देखें कैसी लग रही है माशाल्लाह से इसकी लुक। ये देखें जी व्यूअर्स, साथ में हमने खमीरी रोटी मंगा लिया, और यहाँ पर हमारी कलेजी रेडी है, अभी हम डालते हैं, सर्व करते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड है, तो शुरू करते हैं खाना, और मिलते हैं खाने के बाद। और यहाँ पे मीरब अनाया, हाँ जी, तो खा के बताते हैं कि कैसी बनी है। तो यहाँ पे साथ में यहाँ पे रायता भी बनाया हुआ है, ठीक है। ये देखें जी व्यूअर्स, यहाँ पे बिरयानी लेकर आया मेरा भाई, ये वाली, ये देखें यहाँ पे एक मुनीब के लिए डिब्बा है, यहाँ पे मुनीब है, ये इसने मंगवाई है बाहर से, ये इसके लिए लेकर आया, यहाँ पे अम्मी भी है, और यहाँ पे ये वाला भाई है, ठीक है। और हम खाना खा रहे हैं, मिलते हैं खाने के बाद। यहाँ पे बहुत टेस्टी है, इधर देखें बहुत टेस्टी बनाई है, और खाना बहुत टेस्टी बना, यकीन करें भाई ने बनाया आज, ये अम्मी कैसा लगा, बहुत अच्छा। देखें जी व्यूअर्स, यहाँ पे नया है, और नया को दोबारा से हमने फ्रेश किया है, और नया इधर आओ, किधर जा रही हो, और यहाँ पे मीरब है, और हमने खाना शाना खा लिया है, और मैंने कहा चले आपसे लाफिज भी कर लें। यहाँ पे हसीब और मेरे हस्बैंड बैठे हैं, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने खाना बनाया मेरे लिए, क्योंकि आज मैं हम बीबी पाक दामन गए थे, तो ये काम पे गए थे, आते हुए कलेजी लेकर आए, और इन्होंने बनाई और मुझे सरप्राइज दे दिया एकदम से, और काफी देर के बाद इन्होंने सरप्राइज दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका। और जिस जिसके हस्बैंड इस तरह सरप्राइज देते हैं ना, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलें व्यूअर्स, जो न्यू चैनल पे आने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। तो मिलते हैं कुछ ऐसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें, और यहाँ पर नाया देख लें क्या करिए, नाया क्या